ये पटड़ी है, इसको प्लेट भी बोलते हैं और पटड़ी भी। ये देखिए ये अंदर से कितनी कटी हुई है, जब धागा इसमें लग के चलेगा ना तो इसमें धागा जो है अंदर उलझ जाता है, इसी वजह से हमारी जो सिलाई मशीन की पटड़ी है ये जो है धागा काट देती है। और ये देखिए नई वाली है, ये नई वाली प्लेट है दोस्तों। ये देखिए जैसे हमारे पास ये पीको सिलाई मशीन है और इससे हम जैसे सिलाई करते हैं, पीको करते समय हमारी सिलाई मशीन जो है धागा तोड़ देती है। ये देखिए जैसे हम सिलाई कर रहे हैं और सिलाई करते हुए ये देखिए ये धागा तोड़ दिया सिलाई मशीन ने, और तोड़ा कहाँ से, नीचे से सुई के पास से। ये सिलाई मशीन धागा क्यों तोड़ रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कपड़े को हटा लेंगे और इसकी जो प्लेट है ना ये वाली, इसको देखना आप गौर से, इसका जो पैर है ना ये खोल लेंगे यहाँ से, ये पैर खोल लिया हमने। और ये जो पटड़ी है प्लेट बोलते हैं इसको, इसके अंदर देखिए ये जो सुराख है ना इसका, जहाँ से सुई चलती है ये वाली, और ये देखिए यहाँ पे आगे जो है ना टच होकर चल रही है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या है, इसको खोलते हैं पहले, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर है ना काफ़ी बाबरी है और खार खड़े हुए हैं, जैसे इसमें धागा लग के चलता है ना, सुई जो है इसमें धागा लगा के चलती है तो ये जो है धागे को काट देती है। ये देखिए ये पटड़ी है, इसको प्लेट भी बोलते हैं और पटड़ी भी। ये देखिए ये अंदर से कितनी कटी हुई है, जब धागा इसमें लग के चलेगा ना तो इसमें धागा जो है अंदर उलझ जाता है, इसी वजह से हमारी जो सिलाई मशीन की पटड़ी है ये जो है धागा काट देती है। और ये देखिए नई वाली है, ये नई वाली प्लेट है, इसको हम पटड़ी को इसमें लगाएंगे, और ये जो पुराने वाली है ये जो है ना धागा काट रही है बार बार, इसको चेंज करेंगे और ये नई वाली लगाएंगे इसमें। जब इसको लगा लेंगे तो हमारी सिलाई मशीन जो है फिर धागा नहीं काटने की। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को काटना मत, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये जो धागा है ना, इसकी जो ये जो डब्बी है बोबिन कैस है, इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि इसमें उलझे नहीं, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, अब इसके दो पेंच लगाने हैं बस। जैसे हमने पटड़ी खोली है ना, ये वाली पटड़ी खोली हमने, इसके दो पेंच लग रहे थे, इसको एक साइड पर रख लेंगे और इसको ऐसे ही लगा लेंगे, बस सबसे आसान तरीका है। और फिर मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगा, दोनों पेंचों को अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों अब ये जो पटड़ी इसमें चलेगी ना, अब इसमें कोई खार नहीं है ना, इसमें बाबरी है कोई नई पटड़ी है, और हमारी सिलाई मशीन अब इसमें बिल्कुल भी धागा नहीं काटने की, ठीक है। मैं इसकी जो है डब्बी लगा के दिखाता हूँ आपको, ये जो डब्बी है जैसे निकाली थी हमने ऐसे ही लगा लेंगे। ये लग गई, और इसका जो पैर है ना ये पैर भी लगा लेंगे, इसको अच्छे से टाइट करके। टाइट कर लेंगे तो दोस्तों इसमें आप जो है धागा डालते हैं, और धागा डालने के बाद इसकी सिलाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये धागा डल गया, और अब देखिए दोस्तों ये नीचे का धागा ऊपर आ गया आसानी से, और अब निकालते हैं इसकी सिलाई। इस पर कपड़ा रख लेंगे, ये रख लिया, और इसकी सिलाई निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों पहले क्या हो रहा था कि दो टांकों में ही हमारी सिलाई मशीन धागा तोड़ रही थी, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें देखिए कितनी बाबरी लगी हुई है, और ये पटड़ी जो है ना कटी हुई है, इस पर जगह जगह निशान हो रही है, और धागा इसमें उलझ जाता था, इसी वजह से हमारी पटड़ी जो है धागा तोड़ रही थी। और ये देखिए अब सिलाई मशीन आसानी से सिलाई कर रही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे, और आने वाले समय में आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप।